to make those rainbows in my mind. When I think of you sometime, and I wanna spend some time with you. Tu hi to jannat meri, tu hi meri. हे गाइस, वेलकम टू द माय यूट्यूब चैनल। तो जो भी आपने वीडियो देखा है उस वीडियो को मैं ट्यूटोरियल देने वाला हूँ। तो चलते वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। मैं आ चुका हूँ अपने VN एप्लीकेशन में। चाहो तो आप VN एप्लीकेशन प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। उसके बाद ओपन करने के बाद कुछ इस प्रकार का इंटरफेस खुलेगा। उसके बाद क्या करना है, जो नीचे में प्लस का निशान दिख रहा है इस पर क्लिक करेंगे और न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करना है। आपको डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहाँ से आपको स्टार्टिंग का वीडियो ले लेना है, 9 सेकंड का स्टार्टिंग का वीडियो। उसके बाद आपको कोई भी सा अच्छा सा वीडियो ले लेना है या फिर फोटो भी ले सकते हो। तो मैं फ़ोटो ले लेता हूँ क्योंकि वीडियो नहीं है मेरे पास। और आज चैनल पर पहली बार आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना यार, साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर लो ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। उसके बाद नीचे में जो ब्लू कलर का निशान दिख रहा है इसमें क्लिक कर देंगे। उसके बाद क्या करना है, ये जो म्यूजिक का निशान दिख रहा है जिसमें प्लस का निशान, इस पर क्लिक करेंगे और म्यूजिक पे चलेंगे। आपको डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहाँ से आपको ऑडियो मिल जाएगा, 14 सेकंड का है ऑडियो, आपको डाउनलोड कर लेना है। तो मैं ऑडियो ले लेता हूँ। लेने के बाद राइट के निशान पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद क्या करना है, जो अपन फोटो या वीडियो लिए रहेंगे उसके फर्स्ट में प्लस का निशान दिख रहा है इस पर क्लिक करेंगे और अपने को स्क्रॉल करना है, यहाँ से रोटेटिंग वाला ले लेना है और राइट के निशान पर क्लिक कर देना है। उसके बाद लास्ट साइड में आना है, जो ब्लैक वाला उसको क्लिक करना है और डिलीट का निशान दिख रहा है डिलीट कर लेना है। उसके बाद ये ओरिजिनल लिखा है, ओरिजिनल पे क्लिक करना है और 9:16 रेशियो पे क्लिक करना है और डिस्प्ले पे टच कर देना है। इतना होने के बाद अपना वीडियो तैयार हो जाएगा। मैं आपको अगर प्ले करके दिखा देता हूँ। उसके बाद सेव करने के लिए यहाँ से स्पॉट लिखा है इस पर क्लिक करेंगे और अपना वीडियो सेव होना स्टार्ट हो जाएगा। वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।